सभी एक साथ मिलकर के दुर्गे माँ का जयकारा बोलें, जिससे कि आत्माओं को शांति मिले। बोल दुर्गे मैया की। प्यारे भाइयों, त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से आप देख रहे हैं बीसीडी प्रोग्राम ढोला। ढोला का प्रोग्राम है सूरमगढ़ की लड़ाई, जिसके मुख्य गायक कलाकार हैं मास्टर एमसी कुशवा एंड साथी। संगीत दे रहे हैं मास्टर नौबत। हारमोनियम बजा रहे हैं मास्टर राम किशोर। नक्काड़े वादक मास्टर कालीचरण। ढोलक वादक बालकिशोर। चिमटा की झलकार आप तक पहुंचा रहे हैं गोपाल भाई कुंडल निवासी। और इस प्रोग्राम के प्रस्तुत करता है मुंडालाल शिवहरे। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम देखेंगे सूरमगढ़ की लड़ाई। और देखिए, आपके सामने हाइस कलाकार अर्जुन सिंह एक कॉमेडी लेकर के आ रहे हैं। यहाँ से प्रोग्राम आगे के लिए दिखाया जाएगा। और बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो और माचिस के पैसे बचाते चलो। स्टेशन हिंदी में समाचार। आज का ताई समाचार, टूंडला जंक्शन पे चार कुत्ता मांग पत्ता खेलते हुए पकड़े गए। समाचार समाप्त हुए। अभी ताजी खबर, एक कुत्ते की नाक कुतिया ने काट ली। वो किस लिए? कुछ कुतिया से प्राइवेट बात कर रहा था। समाचार समाप्त हुए। अब आप लोग के सामने चितपट संगीत। और पानी मत भरवाए, और कुआ से पानी मत भरवाए, और जे हिचका को नल, और जे हेट पंप को, और जे हिचका को नल, बालम मेरे आंगन में लगवाए। कुआ से पानी मत भरवाए। से कहने लगी, हाय पतली कमरिया, नरम कलैया मुँह पे पयो न पीस हो जाए। और कईयों सासु के लालते, कईयों सासु के लालते मोए द्वे रोटी दे जाए। कुआ से पानी मत भरवाए। कौन थी? वो औरत थी सबरम रानी। उनका पति बड़ा शर्मदार निकला, उनके लिए खाना ले जाता है बना करके, तो क्या हाल होता है। हाय, और दकीदार गेहूं के फुलका खाए गई खूब अघाए। और दकीदार गेहूं के फुलका खाए गई खूब अघाए। आधी रात पे पेट फूलो, आधी रात पे पेट फूल जाए कोनो हंगाए बे। कुआ से पानी मत भरवाए। ये आप लोग सामने लोकगीत और एक छोटा सा देहाती प्रोग्राम वो आप लोग के सामने आ रहा है। कहाँ कैसी लग रही हूं? हाय बलम। और बलमो मुदरी को, हाय बलमो
मुदरी को नगी नारी पदमो मुदरी को आए पलमो पलमो मुदरी को नगीना रोटी करन गई संग गयो पलमा देख और रोटी करन मोए और नहीं चूल्हे में उस दूंगी तोए हाय पलमो पलमो बिलना से निपटी गयो दीन पलम गोबर पत्थर गई पीछे गयो पलमा हाय बलमा गोबर पत्थर गई संग गयो बलमा एक कंडा थाप लंगे मोए और या गोबर में उस दूंगी तोय बलमो बलमो छिबरा से चिपटी गयो दी बलमो मुदरी को सेज सुबन गई संग गयो बलमा सेज सुबन गई और संग गयो बलमा देख आराम कलन ने मोए ओनी सोके में उस दूंगी तोए बलमो पार्टी से चिपटे गयो नी बलमो मुदरी को अब आप लोग के सामने आ रही है हमारी सबदम रानी कैसे चली आ रही है रेलगाड़ी बन के यहाँ अजी कैसे चली आ रही हो आप कहाँ थे जब तक आए हाय मेरी जान आ गई अच्छा एक बात बतलाओ आज तुम्हारे चेहरे पे बड़ी जोर की हंसी आ रही है मेरी घड़ी खो गई है तुम्हारी हाँ। तुम्हारी घड़ी गिर गई थी कहीं हाँ कुआं पे कुएं में गिर गई थी ए भगवान कितना बुरा हुआ मतलब कितने दिन पहले गिरी थी तीन साल पहले आहा तीन साल पहले घड़ी गिर गई फिर वो आज तुम्हें मिल गई घड़ी हाँ। वो कैसी मिली है जैसी गिरी ऐसी मिली वो चलती हुई हाँ। ए जय हो मेरे भगवान तीन साल बाद कुएं में से घड़ी चलती हुई चलती हुई घड़ी मिली है इधर में आपकी घड़ी गिर पड़ी उधर मैं कुएं में गिर गया था कुएं में तुम क्या कर रहे मैं कुएं में गिर गया था तो पांच साल के बाद आज निकल के आया हूँ ऐसे कैसे निकले आया? और क्या क्या कर रहे थे उसमें ये भी कोई पूछने की बात है कुएं में क्या कर रहे थे जब तुम्हारी घड़ी गिर पड़ी थी कुएं के अंदर तो उसमें चाबी को बत्ता भी लगा रहता था चाबी भर से चालू हो जाओ सदा रहेगी यार सदा हाँ एकदम अरे सदा रहेगी यार अरे जोनी सदा रहेगी यार तू ले ले अरे तू दे दे तू ले ले दे दे तू ले ले मजा जिंदगानी को जोनी सदा सदान रह गया ले ले मजा जिंदगानी को जवानी हर तू मेरे राजा मैं तेरी रानी सुन प्यारे राजा तू मेरी देखने वाले राजा मेरे
तेरी रानी सुन प्यारे बरसा, हाथ पकड़ के ले ले अंदर, हाथ पकड़ के ले ले अंदर, कल्ले बंद चुबा बोल है तू जा रे, तू ले ले मजा जिंदगी, पानी को जानी सदान रह जी। बन डोले मेरे संग खेल शिकार, ऐसी गोली मर मर राजा ए मार कर रही थे, ऐसी गोली मर मर राजा है जाए आरम का, ले ले ओए तू ले ले, तू ले ले मजा जिंदगानी। हर गांव के रड़ुआ बन बन डोले के लत खेल सिखा, ऐसी गोली, ऐसी गोली मर मर राजा है जाए आरम पार, ले ले तू दे दे ला ले ले, तू ले ले मजा दे हर कल करे सो आ जाई कर ले मत कर सोच विचार, अच्छा हो मेरे बलवार खूनसुनी भोले बाबा, कल करे सो आ जाई कर ले मत कर सोच विचार, ऐसी तीर मर मर राजा है जाए आरम पार, ले 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 ओए तू दे दे, तू ले ले ए दे दे ए मान ले करी खा ए गाय दे ने, तू ले ले ओए तू ले ले मजा जिंदगानी को जानी जवानी। महलों में कहती अभी तक नहीं आई, रानी साहब पावन लेते हैं। खुसरा उदासी आप इतनी लेट क्यों आती हैं? तुमने मालूम है छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दूध पिलाती रहती हूँ, खाना पाना बना करके आई हूँ। तुम्हारे पास बच्चे भी हैं? हाँ। अच्छा क्या बच्चे हैं तुम्हारे पास? 3 बच्चे हैं। अभी छोटे छोटे होंगे? छोटे छोटे अभी तो। चलो कोई बात नहीं दासी, आज तुम्हारे लायक काम है, उस काम को करोगी या नहीं? बोलो क्या काम है? करूंगी, करने लायक है। अरे बड़ी कीरी चली जा
के पास जाएं और उन्हें लेवा कर खिलाएं। मैं आपको बताती हूँ।
आराम से बैठे, किसी बात की फिक्र न करें। आप कह रहे ना श्री महाराज, रानी साहब के पेट में दर्द होता है, आप बहुत जल्दी से चले। ठीक है, बैठ जाइए। एक की दो बात बनानी। दो की नहीं, चार बनाऊंगी। हाँ। जा बहुत जल्दी। और बांधने पर की नहीं देर रे लगाई। खुशी का वक्त है, एक गुल वो है कि जिसे आबाद किया जाता है, एक गुल वो है कि जिसे बर्बाद किया। राजमंत्री महाराज, डोरियों पर जाइए और कोई नया समाचार हमारे लिए लेकर आइए। बहुत अच्छा महाराज, मैं जा रहा हूँ। या तो मंत्री मंत्री भी नहीं दिखाई देता। अबे तू कौन है? अरे मंत्री राम राम। राम राम। ये बताओ बोलिए रवानी, आपके हाल चाल तो ठीक है? हाँ, देखिए अल्लाह का शुक्र है। ये बताओ इस वक्त कैसी आई हुई है? मुझे महाराज से मिलना है। महाराज से? हाँ। क्या उजर हो रही है? हाँ बस, मैं रानी साहब का हुक्म लेकर के आई हूँ कि दो बातें करनी है महाराज। महाराज यहाँ पर है नहीं? कहाँ पर गए? महाराज गए आगरा। क्या मकान भूटिया घाट पटिया लेंटर सामान लेने के लिए? हाँ बस, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ का मंत्री हूँ, डोरी पर खड़ा हुआ हूँ, इधर की उधर करता हूँ और इधर की उधर, इधर की इधर करता हूँ। चुगल खो रहे तुम। ये बताओ कितनी देर में आ जाएंगे? कोई पता नहीं। कोई पता नहीं? महाराज को पहचान सकती है? हाँ। वो देखा है क्या? पर्वती मुँह महाराज से कह दूंगी। क्या कह देगी? ये कह देगी मुझे पर्वती मूसा दिखा रहे थे। मेरी सम और क्या, तो महाराज से मिलने के लिए आई है? मिलने के लिए आई है। श्री देवी आई गई फिल्मों में, ये विद्या भारती आई गई फिल्मों में। अच्छा, अब नाम डूब गयो हे मापो। देवी आई गई फिल्मों में, विद्या भारती आई गई जी फिल्मों में, अब नाम डूब गयो है माँ को। घर बैठी जी फिल्म दिख जाएगी, जाए वो भयो बंद सुने है माँ को। घर बैठी फिल्म दिख जाएगी, आजीओ घरों बैठे फिल्म दिख जाएगी, जाए वो भयो बंद सिनेमा को। सीडी में हल्ला है गो ने नगरा वारे सिनेमा को, सीडी में हल्ला जीवन की जयकार हो। चिरंजीव राव राजमंत्री कहिए। मैं जोड़ियों से आया हूँ आपके लिए ताजी समाचार लाया महाराज। क्या समाचार है? खाना पीना खा लिया, आंच को बंद करिए, आंधी आ गई है। आंधी? अबे बदतमीज राजमंत्री, आंधी नहीं वो बांधी होगी। हाँ महाराज बांधी है। लाइए बुला करके दरबार में। बहुत अच्छा, आइए चलिए।
दे। कई महलों से आई हो और हमारे लिए क्या समाचार? वो मैं बाद में बताऊंगी। ये आपका मंत्री है, ज्यादा बदतमीजी बात करता है। हाँ, ये कह रहा था मुझसे कि पर्वती मूसा देखा है। क्या बाजी से पर्वती मूसा दिखा रहा था? इसने देखा नहीं, साले डर जाएगी, ऐसी बातें मत किया कर। बिल्कुल चुप। तूने कभी देखा है पर्वती मूसा? मैंने देखा है, इसने नहीं देखा है। कहाँ देखा था? खेत में। खेत में? हाँ। इसे मत बताया करो। बिल्कुल बोल रहा होगी, क्या बोल रही है? बांदी बोलो, क्या बात है? सुनिए महाराज, अरे सुनिए श्री महाराज तुम्हें, अरे रानी बुलवावे से, अरे घंटे हो गए तीन पेट में दर्द बतावे से। महाराज, क्या रानी कह रही है? सुनिए श्री महाराज, ये सुनिए श्री महाराज तुम्हें, रानी बुलवावे अरे घंटा हो गए चार पेट में दर्द बतावे से। रानी के दर्द होता है? हाँ। होता है? हाँ महाराज। तो हमें जरूरी बुलाया जाना है, आपको जरूर चलना है। राजमंत्री बोलिए। देखिए, हम राजमहलों के लिए जा रहे हैं। हाँ। और जब तक नहीं आए आप कचहरियों के मालिक रहोगे। बहुत अच्छा। अगर किसी आदमी से गलती होती है तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाए। बहुत अच्छा। और जरा सी गलती हो तो उसे बरी किया जाए। और बरी न होगी तो साले पीपड़ा। अबे साले दिमाग खराब होते, उसे छोड़ दिया जाए। ये बात जाइए महाराज। हाँ, आप राज चलाना, मैं जाता हूँ। चलिए बांधी। चलिए। देखते हैं, देखिए राजमंत्री किस तरह से राज को चलाएगा। ठीक है महाराज। श्रीमान तेरे भाइयों हलवाइयों नाइयों को साइयों, सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन यह है, बजाय मेहरबानी के साथ अपने घर के लिए उठ के चले जाइए और मेरे बगैर कोई, मेरे ऑर्डर के बगैर कोई चट्टी फिरने के नहीं आएगा। और चट्टी फिर के आएगा तो हाथ पाई लेने की कोशिश नहीं करना। और सुबह 7 बजे बांधी और राजा को सूली लगेगी। अबे बदतमीज, रानी और बांदी को राजा को सूली पर ही चढ़ा देगा तो राज किस पर करेगा? मैं तो अपने जमीन पर कर लूंगा। ठीक है, बैठ जाओ, जमीन के बैठने वाले जमीन से राजी रहोगे। बांदी चलो चलते। चलिए महाराज। अरे कहले महलन की दगरिया हो रामा कैसे सफरी। चलिए महाराज। की
बांधिया डंड में शिकार खसरा दासी श्री महाराज आया नहीं? हाँ आ गए। वो कहाँ पर हैं? वो दरवाजे पर हैं। हमारे पति महाराज कोई दरबारिया है नहीं? वो सासनी भी पढ़ ले रहा। मैं इसलिए खड़ी कर आई क्योंकि गर्मी का टाइम है, नंगी है वो भारी है, इसलिए बाहर खड़ी कर आई। दासी एक बात बताओ, हमारी और हमारे पति महाराज की क्या शर्म है? कोई शर्म नहीं है? नहीं तो अब आए तो लहंगा उठा कर सर पर रख लेना। अरे वो बात नहीं तो ठीक है, तुम्हारी तो शर्म है। शर्म है हमारी? हाँ तो बैठ जा भी अंदर बेचती लुवा करके लाओ। चलिए महाराज चलिए, ये लो आगे। स्वात कमर लो में मुझी पपिया की प्यासा, मेरे पति के दर्शन बहे बही मेरी पूरा। श्री महाराज दासी का प्रणाम स्वीकार। चिरंजी प्रभुरानी। हाँ चिरंजी जी लगी रहो। आए ओ पति बैठियो और पियो ठंडो नीर, और जा पीछे दुल्हा पूछियो सो कहाँ होती है। ठीक है जरूर पियेंगे। रानी मेरी बात बताइयो खास, अरे रंग महल के बीच में कैसे चेहरा पर हो। दासी वाली बात मत ही पूछो श्री महाराज। बड़ी मेहरबानी हुई आए आप हजूर, डोला सुना प्रेम से तो जाए की भूतो। महाराज आप तो कचहरी के मालिक हो चुके स्वामी, आपको कोई फिक्र नहीं, रानी दुखी रहते या सुखी रहते। 5 दिन बाद आया हूँ, कोई ज्यादा देना नहीं हुए, बांधी भेज करके मुझे बुला लिया, इतनी क्या जल्दी है, क्या बात है? हाँ जल्दी वाली बात है स्वामी, मैं आपको बताती हूँ। बताइए। अरे तुम का जाने भूले हुई गए रे गजब के बेरी।
होना चाहिए। बेटा ढोल कुमार कोना करने के लिए चला गया, 6 महीने हो चुके, मेरे बेटा को आपको कोई फिक्र? ढोल कुमार के बारे में अगर जरा सी भी बात कही तो तलवार फाड़ कर दूंगा। अरे साबू साबू कहियो मेरी प्यारी, जाइए मस्ती कहियो। ठकुरानी के देखी बेटा को तू लियो नी मस्ती नहाना, यही मेरे सामने बेटे के नाम को मर लो तुम। बहुत परेशानी उठाई थी, ये कोई नई बात है? अरे एक माँ परेशानी उठाती है कोई बात? अरे बेटा के पिछारी दुल्हा बन बन डोली, नारावरिया दुल्हा पे तो कसै नाए पे। मुकेश भाई आप चिमटा बजा रहे, देखिए जो औलाद अपने पिता का कहना नहीं माने वो औलाद नहीं होती है। ऐसी कोई बात नहीं, देखी ला पुसा मजाओ ठकुरानी मैंने ढोला तू। सूरामन दाने को छिलवा दिया था और उस दरवाजे में यह शर्त लगी हुई है कि जिस दिन मेरा बेटा गोना करने के लिए जाएगा और वो दरवाजा मेरे बेटे के ऊपर गिर सकता है। नहीं उसने माना ही नहीं, वह मौत के घाट पर गया है।
में सो जाती है, सूखे में ये हर माँ का फर्ज होता है। लेकिन वह तो माँ बाप का कहना ही नहीं मानता है। सहेलियों के साथ दे दिए कहीं आगे दे दी क्यों कहीं तो नहीं जी देखिए लेकिन एक बात ध्यान रखना। कौन सी बात? हो जाको हम भेजा देते हैं पिंगुल करके लिए बेटा की खबर लेने और हम गंगा स्नान के लिए जाएंगे। आप गंगा स्नान करने के लिए? जी हाँ। आप बागों में झूला झूलिए खोजा कहिए महाराज। देखिए हमारी रानी नहीं मानती है, आपको पिंगुल घर के लिए जाना है। हमारे बेटे ढोल कुमार से कहनी है कि आपकी माँ बहुत परेशान है, बहुत याद करती हैं और जल्दी से अपने देश नगर को चलो। बहुत अच्छा महाराज। ठीक है? ठीक है, जाइए। जा रहा हूँ। अब मुझे यही चलना चाहिए। अरे खो जानी पलकी नाई तेरे बेलन आई कल मने गोले जगल पे आई अरे राती पलमनी ऐसी है दीवारी चढ़ छाती बेलेरी अरे राती करिए मेरी बड़ बड़ी पारी अरे लाजा लागे नहीं मेरे नारे ने मरिए गैया आए हाये गैया राम नामो राम जामी बस तई शिव राम अरे राम राम
छूटे राजा सूरम के सामने। शेरभुन राजा है, शेरभुन राजा तो आंखें निकाल दू, जमीन में पैर मार दो, पानी को उछाल दू। महामंत्री कुर्सी लगाओ बेटे, कुर्सी लगाओ जल्दी से। कहिए मिजाज शरीफ, अपने राजताल में क्या हो रहा है? सब तुम्हारे नाम से जीते हैं, शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। क्या हंस रहा है? ऐसा करो आज कुछ मनोरंजन कराइए मेरे लिए। एकदम। तू जानता मुझसे कौन कहते हैं? मुझसे कहते सूरम सिंह माना हुआ आगरे का गुंडा। गुंडा जानता है? क्या कहते हैं? सूरम सिंह माना हुआ आगरे का गुंडा। हाँ, बुलाओ गाने वाली को। एक गाने वाली, इधर आओ, इधर आओ। महाराज नमस्ते। नमस्ते। अजी आ गई? आ गई। अरे खोखला। हाँ। तेरा तो हो गया खोखला। आज तुम्हारा हो गया। ऐसा अच्छा? है मंत्री, गाने वाली से ऐसा गाना सुनाओ जो तबियत खुश हो जाए। कुछ लोग परेशान हैं। इसके लिए? हाँ। अब वहाँ गाने वाली, एक कुर्सी को भी बिठाओ। गाने वाली ऐसी है महाराज, कुर्सी को भी बिठाओ, बस यही रखो। गाने वाली हाँ, ऐसी चीज सुना दू सब हमारे महाराज की तबियत खुश हो जाए। अच्छा हाँ, ऐसी सुनाऊंगी। और ये सामने बैठे हुए सभी के सामने तीर कमान छोड़ दो। अच्छा, क्या करे मेरी चिड़िया। और करी दई विदा और बुरा सारे पे नंदिया पे मचले गई आया है रे नंद। हम तो
बजाय इज्जत के साथ कचहरी मिलाओ अंदर और क्या ये महाराज हाँ। तुमसे मिलने के लिए हाँ जाओ तुमका घोड़ियों से तुम साला घोड़ी बताता है कोई भी आए अच्छा कोई इंसान के साथ अच्छा ठीक और सुनो एक बात और समझा दे हाँ। उसे रसूल कोई और महाराज का क्या रसूल है हाँ, रसूल बताओ तू जानता मुझसे कौन कहते हैं हाँ, बताओ माना हुआ आगरे का गुंडा कौन सूरम सिंह जो कोई बसर बेटा जो कोई बसर मेरी कचहरी में आता है अब आते आते मेरे सर को है। इतना समझा करके लाना ठीक है अगर इतने में गल्ती होगी ना तेरी हड्डी को भी खिट्टी कर दूंगा ये अरे भैया ये कौन सा थे यार क्या देख रहा है रे इतना क्यों भाई कौन है अरे कौन सा थे रे ये हाँ ये तीन ही मालूम है सूरमगढ़ महाराज सूरम सिंह माने हुए आगरे के गुंडा क्या गुंडा है महाराज तेरे और क्या ये बता इस किसी की औरत को देख लेते नहीं है उसको छोड़ते नहीं है तो गुंडा है वो और क्या उनको सभी मानता है तू और लो कितने अच्छे आदमी है हाँ क्या बात है हम यहाँ पिंगुल के लिए जा रहे थे और हम रास्ता भूल करके आपको सूरमगढ़ आ गए तो कोई बात नहीं आ रही है तो कोई बात हम राजपाल देखना चाहते हैं राजपाल और क्या साइड में खड़ा हो गया अभी जा रहा हूँ यही रहना महाराज जल्दी आना एक मिनट में हवा लाए जाओ महाराज ये क्या बात है ओहो एक पिंगुलगढ़ के लिए वो जा रहा था खोजा खोजा हाँ कहाँ खोजा मुझे नहीं मालूम है कहाँ का खोजा है वो वहाँ का था नरबलगढ़ का बता रहा था नरबलगढ़ का हाँ जानता खोजा किससे कहते हैं किससे कहते हैं खोजा भी कहते उससे हाँ राजा महाराज का मंत्री भी कहते हैं अच्छा वो क्या कहना चाह रहा है मतलब और कुछ नहीं कहते उससे और इससे नौकर भी कहते हैं अच्छा वो इससे उधर भी करता है इधर से उधर भी जो वो चुगल है अभी चुगल नहीं है साले में गोली मार दूँ खामोश गोली मत मार क्या कह रहा है वो आपके राजपाट को देखना चाहता है आपसे मिलना चाहता है तो मैंने आपने मेरा रिकॉर्ड बता दिया है हाँ रिकॉर्ड अभी नहीं बताया आप बता देना तो समझा करके लाना ठीक ओ भैया इधर आ क्या बात है भैया हमारे महाराज का रिकॉर्ड बड़ा कर रहा है कौन सा कर रहा है जो कोई बसर आता है आते आते सर को झुकाता है सर झुकाता तुम्हारे महाराज के लिए और क्या भैया मैं सर तो अपने महाराज के लिए झुकाता हूँ तो भलवंता जाइएगा सीधे जाओ चलो भागो यहाँ से ऐसा है हाँ तू कौन है उनका मंत्री और हम भी मंत्री हैं हाँ और हम तो भाई भाई हो गए और क्या ऐसा मैं तेरे लिए सर झुकाता हूँ और तेरे महाराज के लिए सर नहीं झुकाऊंगा भैया ऐसा मत कर भैया मेरी हट्टी पर भी नहीं करवाई दे महाराज के पास खड़ा हो जाना मैं तेरे लिए सर झुकाऊंगा महाराज समझेंगे मेरे लिए झुकाना ठीक ठीक थैंक यू ये बात चलो कहाँ से आया है और
सर को नहीं इसने किसी के लिए सर को नहीं झुकाया गोली निकाल दी उसने निकाल दो साले गोली ये बताइए इसे पता नहीं है कौन है ना। मेरा कितना रिकॉर्ड है इसको तालाब ताल मलन ताल और सब तलैया रानी एक मेरी सुहा पंखी और सब घटैया ये राजा है या रजुल्ली है अपने मौत से अपनी तारीफ करता है अरे तालों में भूपाल ताल और सब तलैया रानी तो एक दहमत की और सब कन्हैया बता रहा है मारा हड़िया और है धरती अरे उल्लू के पट्टे को मार देने बोली भाई क्या कर रहा है मार दी इसमें ये कौन दहमंती है ये दहमंती कौन है भाई दहमंती कौन है ये राजा नल की घरवाली दहमंती हां नल की घरवाली और क्या अबे नल वो खेचू वाला नल है खेचू वाला नहीं है वो सरकारी वाला होगा सरकारी वाला नहीं है और मैं बताऊं कौन है ऐसा है तेरे और तेरे महाराज के गाल तोड़ने वाला नल है वो हमारे गाल बामनगढ़ में उसका तेगा पजा हुआ है ये मालूम नहीं है साथ हार गई है और ये जानता रहिए कि मुझसे कौन कहते मंत्री मालूम क्या है इसको पता नहीं है इसे क्या कहते बेटे मारा हुआ आगरे का गुंडा सूरम सिंह जिस किसी को देख लेते अगर उसे भागसी में डाल दो डाल दे हाँ देखो उसके राजा कितनी चूल्हा भक्सी में डाल रहा है और क्या ऐसा करना कोई डर तो रहा तेरे महाराज से कह देना एक हलकारा मेरे महाराज के पास भेज दे मेरे महाराज में तेगाधारी होगा तो तेरे महाराज से मुझे छुड़ा नहीं जाएगा देखी जाएगी चल कोई बात नहीं है एक दो डाल दो वापसी में महाराज के महाराज में ताकत होगी देख लेंगे दावा राजा लाल छुड़ा ले जाएगा नहीं साला परापरा सड़ जाएगा साला मर जाएगा समझ लो क्या कहता है क्या तालों में ताल भूपाल तारा सब तलिया रानी तो तुम्हें थी और तुम्हें थी महाराज एक बात बताओ हाँ ये बता रहा है रानी धेमंती और उस पानी पोखने वाले नल की घरवाली कुछ जानता तो महाराज देखनी चाहिए वो आए उस दुमहती से एक बात तो जरूर करूंगा कराओगे जा मारे किसी भी देश में कोई भी रानी नहीं छोड़ी और क्या वो साली कहाँ छिपी रह गई कहाँ रह गई ये किधर तो दुमहती कहाँ है उसकी बादी भी होगी महाराज उसकी बादी होगी जब पूरी गावे तब परावटे मेरे उतारी चिंता मत बेटे और उस दुमहती से बात तो जरूर करनी है और क्या देखेंगे यार कैसी दुमहती है अरे हमें कोई चला
Thank you.
आश्रम बुला लियो। क्या करोगे? लेख बुला लियो। क्यों? 50 ग्राम लेख हमें जरूरत है। तो हाँ बहन। हाँ वैसे सुंदर तो है ये। और क्या? चलो कोई बात नहीं, अंदर घुसा लेते हैं इसे। हाँ घुसा लो। हाँ आगे ये आता है। मोहब्बत जानते हैं अब पेड़ पे आवते हैं हमस और मोहब्बत की जाती है। प्यार जानते हो? प्यार? हाँ हाँ प्यार वो तुका है वहां धान लेकर तक आए। अरे धान वाला नहीं। और इसको जानते हो? इसको? हाँ हम अंदेजा नहीं जानते। मोहब्बत मोहब्बत करना सीखोगे? सिखा दे। और क्या? हाँ ठीक लीजिए मेरी कसम। और क्या छो जी नहीं जानते? देखो ये क्या है? ये आज मेरी राइफल है बंदूक। इसको हमको दे दो। जा जा हम ना सीखो ना देंगे। क्यों? अरे मेरे पानी के पड़ाके। अरे मेरी पकौड़ी। अब सिखा दो। हाँ तुम सिखाओगी अब मोहब्बत? मतलब तो तुम सिखाओ। अरे मुझे टोपा दे दे। ओए ओए जिवे टोपा ले जाएगी ले। ओए टोपा ऐसा दूंगा मैं ना। टोपा दे देंगे ना? टोपा ना दे रो। अरे दे दे राजा दे। अरे मेरी लाड़ी मोहब्बत तुम सिखाओ। आ जाओ तुम सिखाओ। हाँ सिखाओ जल्दी। सिखाए? हाँ चुन्नी दे दे मुझे। जटाई है? हाँ वाइट वाइट टाई और पड़ रही है। मैं टाई देंगे। और रचना जी जरूर देने पड़ेगी। टाई ना दूंगा भी ना। मतलब टाई दे के जब सिखाओगी मोहब्बत? बहुत अच्छी टाई ना दूंगा। अरे मेरी रानी ले। अब सिखाओ भाई अब सिखाओ ले। और बताओ क्या? अरे मेरी पटिया ले। अब सिखाओ। ये क्या है जी? जऊ ले गई ले। जऊ ले। ये क्या है? जऊ ले हुई जऊ। और क्या? हमारी कहा पैसा वाली बात है और ले लिखे सारे के लिए तुम ऊपर लाओ। देखो हाँ ये पहले प्यार की निशानी है जी। जो याद कहा होगा प्यार से पहन लो। क्या थे? और क्या? अच्छा फिर जाते मोहब्बत आ जा रही है। मोहब्बत नहीं और इसलिए पहनाई जा रही है। हाँ ये बात जलाना है जी। हाँ तो जी बाग जलाना है। ये कलर भी तो मर्दाना है। अगर हमारी तरह साड़ी पहन लोगे ना तो कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें मर्दाना आदमी घुसा हुआ। अच्छा अच्छी बात है तो मोहब्बत सीख जाके। और क्या? अब तुम सिखाओ लगवा जाओ। अच्छा मेरी हाँ हाँ कोई बात राज सवे की बात है ना। चो जाओ ये आ जाओ। हाँ मोहब्बत से कहा पर वो जल्दी करो मोहब्बत निकल जाएगी। मोहब्बत जल्दी आ रही है। ए, और हमारी तरह सर पे डाले। अच्छा यू ऊपर है। और क्या? एक गाना हो जाने में रबड़ी हल्लेदार। आए आए तुम आ जाओ तुम सी के लिए मोहब्बत। आ जाओ सुरेश बाबू। देखो तुम कैसे लग रहे हो। मैं कह तो खेमचंद की अम्मा। मैं खेमचंद की अम्मा। देखो चाहे मैं अम्मा लगू चाहे काम को दादा लगू ऐसे लग रहा है। अरे मेरी चिड़ैया तुम्हारा तो वही हूँ। हमारे कैसे लग रहे हो? हाँ जैसे नेम सिंह की अम्मा। मैं हाँ चो ये गाना सुना रही तो मोहब्बत सिखाओगे शुरू हो जाएगी। और रबड़ी हाय रबड़ी हल्ले दार रबड़ी हमें नाई भावे। ओए रबड़ी Yeah.
दे दो परदेसी आए फूल बाग के फाटक पर। हाँ वो परदेसी कैसे हैं? वो चिलकने चिलकने कपड़ा पहने जैसे कि हमारे श्री महाराज। अच्छा और? जैसे वो राजा हमारे महाराज के संग बोना रहती मंत्री। हाँ ऐसा ही उनके साथ में मंत्री। हाँ बंदूक लटक रही नहीं वो वैसा तो ऐसा मालूम होता है कोई राजा आ चुका है। वो कहते हैं कि पानी पी करके और एक घंटा आराम करेंगे उसके बाद हम चले जाएंगे। ठीक है चलो कोई बात नहीं ऐसा करो ओ परदेसी को पानी पिला करके और फूल बाग से वापस कर दो। ठीक है बैठ जा महाराज। देखिए क्या है कचू हिफाजत बन जा तो बहुत ही काम कैसी है। और लो पानी लाओ काई फूल का पट्टा साले एक बात बता प्यासा मर जा रहा हूँ। ये मालिन है उल्लू के बच्चे तू जानता नहीं है? जी मालिन ही इस घर का पानी पियेंगे तो भाई तो बहुत बत्ती है। और रामाड़ी ए मालिन तेरे हाथ का पानी नहीं पियेंगे हम। क्या हमसे कहते राजा इसलिए तेरे हाथ का तुम कौम की मालिन है अपनी रानी साहब से कह दो तो वो परदेसी कह रहे कि आपके हाथ का पानी पियेंगे। ठीक है ये मालिन क्या बात है खुद परदेसी कहते हैं कि हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पियेंगे तुम्हारी रानी का हाथ का ही पानी पियेंगे। वो परदेसी कहते हैं कि तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पियेंगे। हाँ। तुम्हारी रानी के हाथ का पानी पियेंगे मालिन। ठीक है चलो कोई बात नहीं वो परदेसी आए तो फूल बाग में आने दो आप बैठ जाओ। चलो साली कौम की मालिन और हमारी छाती पर चढ़कर आई महामंत्री महाराज एक बात का ध्यान रखना। हाँ चल तो रहे। हाँ क्या वो खोजा कह रहा था कि रानी दुमहती के मुकाबले कोई रानी नहीं है खास बटार के जाना है भाई का स्त्री है अगर किसी हालत में शराब दे दिया साले पी लूंगा मैं। कहा शराब पिएगा? शराब देगी तो पीऊंगा ना छोड़ दूंगा भस्म कर देगी भस्म। चलो चलते हैं महाराज। क्या है एक ध्यान रखती हूँ किस बात का पूरी मिले तो परावटे अगर मैं रबड़ी खाऊंगा तो लड्डू जरूर मिलेंगे। मिलेंगे मिलेंगे आ जाओ चलो। बैठ गया कितने दिन बैठा है किससे कहते बेटे पति बेटा स्त्री देख ले मेरे खांसे से कितनी जल्दी खड़ी हो गई है तुम्हारे खांसे में मैं थे भाई अबे खांसने से और के मेरे खांसने से मेरे खांसे में थे कल आपने ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा ये महाराज हां वो काढ़ा बात तो काढ़ी जानते है काढ़ा जानता है तो तू क्या कहा जानता है भाई। ठीक है इससे बात करूंगा तू। अच्छा ए रानी तू भाती अरे बोलो ना मेरी जान अरे मेरे चारे की रजाई मंत्री महाराज साला मूड खराब हो गया और मूड खराब हो गया खोजा कितनी पढ़ाई कर रहा था के ऐसी है हमारी रानी दमयंती ऐसी है साली गूंगी है और गूंगी है तो बिल्कुल बेकार है। चलो 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 महाराज के बात सुनिया को बात बोल गई और दखना दीरे काऊ और बेरी आवे द्वार बैठना दीरे। आवाज क्या परदेसी महामंत्री आप फूल बाग के फाटक पर आए थे तो आपने कुछ देखा? क्या देखा आपने? कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा जब फूल बाग के फाटक पर और लिखा हुआ था एक बोर्ड बना हुआ था उस पर लिखा हुआ था कि ये बाग है जनाना और इसमें आएगा नहीं कोई मर्दाना। क्या बात है मैं तो ये बाग है जनाना तो इसमें आ सकता है मर्दाना यार इसकी बोली क्या है। बोली क्या है जैसे मैना जभी तो ये तुम्हारी बहना का पट्टा फालतू बात करता है। परदेसी क्या है आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं थोड़ा सा काम है आपसे हम पानी पियेंगे और चले जाएंगे। पानी और क्या पानी पिलाओ। चलो कोई बात नहीं आप पानी पी करके फूल बाग से चले जा रहे और चले जाएंगे पानी पिलाइए अभी जा रहे हैं हम तो हम क्या कर लो यार।
पानी पिलाएगी पानी हाँ जावे एक बाल्टी पूरी लाने दे केला परदेसी साले ऐसे पानी पी रहा अरे तुम्हें तो प्यास ना लग रही जा रहा है मुझसे पहले पानी पी ले ऐसे नहीं पियेंगे कैसे पियोगे जिस तरीके से तुम पिला रहे हो रानी तुम्हारी कैसे पानी पियेंगे कैसे जिस तरीके से औरत पानी पिलाती है कांटा से पिलाओ कल्लू परदेसी होने आई संज्ञा अरे जवई पाप धरो नरवर में तो मेरी मरी गई सास ले महाराज काई ये तो परदेसी मेरे घर में कोई सास ननद नहीं इसलिए मैं कायदा नहीं जानती इसका ऐसा है मंत्री कादा समझ महाराज ये जान कहती है कि मेरे यहाँ कोई सास नहीं नंद इधर आ जाओ तो पानी पिलाने का कादा ये क्या जानती है समझाओ तो ऐसा है रानी तुम हैती परदेसी मैं आपके लिए पानी पिलाने का कादा बताऊं तो थोड़ी देर के लिए आप मुझे सास ही समझ लेना इन्हें सास नंद इनके लिए सास समझ लेना और थोड़ी देर के लिए मुझे सुसु समझ लीजिए ससुर बन के तैयार हो गया वो ससुर बन के तैयार हो गया पहले से हाँ परदेसी सीधी खड़ी हो जाओ ये लो ऐसे नहीं पीछे हट जाओ थोड़ी सी आगे आओ दो कदम ऐसे लोटा करो ये लो ये लो ने ऐसे नहीं सीधे करो सतर्क रहो आज सतर्क रहो तरीके से ये बात ताकत रही है क्या देखना हाँ महामंत्री रानी के पानी पिलाने में मेरे पीने में कितना फर्क बस दो अंगुल को दो अंगुल का ज्यादा बस ज्यादा समझ लियो और आगे बढ़ के आओ करो आ जाओ ये लो मुंह मेरी तरफ करो पीछे हट जाओ आय आय महाराज बत्ती ये बंद करा भाई दी अबे आय आय भौं का है जाको रानी क्या है रानी का है के रानी मेरी सुने लियो रे बानी अरे फूले ही बाग के बीच प्यादन का ठीक है परदेसी परदेसी सुन सुन की अरे बानी पानी पिलाओ परदेसी सुन सुन की अरे बानी अरे फूल बाग के बीच मिले नहीं ना हाथ रखो अरे पानी महामंत्री ये तो ये करिए कि मैं नहीं पानी पिलाऊंगी मैं कह रहा हूँ रानी तुम ऐसी मुझे आप नहीं जानती मुझसे कौन कहते हैं बताओ मुझसे कहते हैं सूरम सिंह आगरे के माने हुए गुंडा और अगर मुझसे मोहब्बत करेगी तो रबड़ी खाएगा रबड़ी मचाएगी झटका चिपा देगी परदेसी आपको ये पता नहीं क्या है कौन सा पता के हमारा तो देश और तुम्हारा परदेश है तो आपका देश आपको इस बात कहने में शोभा नहीं देती अरे के रानी तो और पहलाए दूरे खड़ुआ क्या परदेसी खड़ुआ सोने के पहलावा मेरी जान क्या मुझे हाँ सोने वाले के चिलैया दूरे खड़ुआ और शेर आगरे चलो खावा दू तो बूंदी के लड़ुआ गुड्डू भाई साहब लड्डू खिलाऊंगा लड्डू बूंदी के ऐसा मालूम होता है कड़ी खाए गुंडा है
जी। क्या है? लड्डू खिलाऊंगा बूझ के बढ़िया। देसी जन्म तक रड़ुआ नहीं शादी सुधाऊ। मुझे तो ऐसा मालूम होता है नहीं कि आप शादी सुधा नहीं। अब शादी सुधाऊ परदेसी जन्म तक रड़ुआ। अरे मेरे पीछे फिरे लगे मोए मुझे आप जाऊंगी मैं शादी सुनाऊ। आप हाँ आप शादी सुना होते तो ऐसी बातें नहीं करते। अरे करानी तो बलवा दूरे तंगड़ी। किसको? तुम्हारे लिए तंगड़ी। हाँ और शहर फतेहाबाद चलो खवाजू तो एक कुल्लड़ा मेरे रबड़ी। परदेसी रबड़ी खिलाऊंगा और गबड़ी बचाऊंगी। परदेसी बढ़िया सिरे तंगड़ी। परदेसी ये बात नहीं समझे? ये रबड़ी तो खुश रहेगी। हमारे पास बहुत सामान है। क्या है तेरा सामान? परदेसी बढ़िया सिरे तंगड़ी। तुम सूर मगड़ा के बीच खबई हो अपनी भेना। ये तो यार फालतू बात करती है। ऐसे नहीं आई पसंद नहीं है। रबड़ी से पसंद नहीं है। तेरी अम्मा बहनी आना है क्या? मैं तेरे लिए भिड़ा हूँ। कहे के वो पानी प्यार है तो प्यारी सूरत पे हुई बड़ी कुर्बान है। अरे जल्दी निकल जा मेरी बगिया से। नहीं आज तो यही आराम करेंगे। और क्या यही मंत्री यही आराम करेंगे। यही बैठेंगे हम तो यही रहेंगे। समझा दो क्या समझाएंगे? अरे जल्दी निकल जहाँ मेरी बगिया से। परदेसी कछु बिगड़ो रे हत ना है। भगा रही है नाराज। ओहोई और तेरी पतरी कमरिया बारी उमरिया। सुनो ना। अरे चलो। ओए ओए तेरी पतरी कमरिया बारी उमरिया तो चैया सूरत पे हुई बड़ी पुराना। अरे पतरी कमरिया जी तो दुल्हा की जी पतली पतली कमर और जी बाली सी उमर तुम्हारी खातर नहीं। अच्छा जी तो मेरे श्री महाराज की है। अरे पतरी कमर यहाँ बारो में उच्च बना परदेसी तो पूरा हीरे समझ आए। बुरा सुना दे कि सूरमरे सिंह कहो उससे कहते सूरम सिंह आगरे के माने हुए गुंडा। हाँ जान दिया तू तुझ जैसे गुंडा जन का बुरा सुना चले सूरमरे सिंह कहो तो तुम है थी तो छोड़ूंगी हाथ सुनाए। चलती देखी जो तलवारे। अच्छा ये बात क्या है? ये मेरे पास क्या है? जा सुन ले दो बला मुहा मारो। जा सुन ले दो बला मुहा मारो बहरी दे गोरे जान से मारे। अच्छा आवाज दो डर कछु नाए। अरे बोल नलकोरी
तू वो पूरे नहीं बह जाए। अरे जागे बच्चन जाए पल मुहामार हो, जागे बच्चन जाए पल मुहामार हो, पापो तालु बोधे तुरे बनाए। अरे लालू तुम्हारी परदेसी सुनियो ध्यान लगाए, अरे आवत होए गोपल मुहामारो, अरे तेरी जान बचेगी रे गुंडा। ए गुंडा रे कितना बोल रही है। ए रानी तुम्हारी भाग जाओ यहां से, आया हूं तेरे दर पर, आओ तेरे दर पर कुछ करके जाऊंगा, कर दे मेरा फैसला तो नहीं मेरी जान मर के जाऊंगा। अच्छा हाँ। वैसे तुमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो भाषण तो अच्छा दे लेते हो। छोड़ूंगा नहीं तुझे, प्रधानमंत्री की बात कर रही है। आयो मेरे दर पे, आयो मेरे दर पर कुछ कर ना सकोगे, इतनी में खैरिये नि जूतियों से जूता दिखा दिया। ए तुम्हारी तुझा जूता का मजा चकाऊंगा चकाऊंगा, और तीन दिन के अंदर तुझे भी महलों की रानी बनाऊंगा। और मैं भी क्या करेगा, मैं भी इसे चप्पल का मजा चकाऊंगा और टट्टी करने जाएगी लोटा लेके भाग आऊंगा। ठीक है देखा जाएगा, चलो देखा आओ हमारा है। चलिए आ जाओ, ये चैलेंज है इसे। महाराज क्या है, चप्पल देगी तो चप्पल के दही बड़ी खा करके गई है, चप्पल के दही बड़ी। वाह महाराज चप्पल खावे डोल लियो। चलो हम ना गाँव तो कह रहे चप्पल, जैसे इंसान के बात क्या लगी तो उसके लात क्या लगेगी, और वाह जाके गोली ने लगी हो वाके गोली क्या लगेगी, क्या लगेगी। हाँ चलो घोड़ा को लौटाओ, चलो अपने सूरमगढ़ के लिए चलते, आ जाओ फटाफट। ये रानी तुम ऐसे रहेगी, मैं ही रहूंगा। आ जाओ महाराज। क्या है अब आ करूं, कुछ लगाओ आगे चल लगाओ। अरे ओ फेरो जल्दी जाओ, बेटी को लगा करके लाओ। एए हमारे महाराज आप कह देना मेरी बेटी से तुम्हारे पिताजी आई हो, जल्दी जाओ। हाँ चप्पल लगी न कहूँ। नहीं अच्छा चप्पल पप्पल का कुछ कहना ना कह रहे साहब, जाओ जल्दी लगा परिसर न कह भी जाओ। ठीक है जा रहा हूँ, हमें कहा परिसर चप्पल नहीं न कह भी। जी जी होए कहिए मंत्री। राम 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 महाराज ने भेजो क्यों, यू कही के घर ते हमारी बेटी है बुला लियो, तो मैंने लपेट के डोली आऊं। चलो चलती दो चप्पल ही ना बतांगे हम। अरे महाराज ने नहीं कहते ये चप्पल फुकड़ी मत कहियो। क्या बात है, अच्छी बात ना है। देखो हमारे नहीं कहते महाराज ने यू कही चप्पल नहीं मत कहियो, हम पे चप्पल पड़ी नहीं है। बता चप्पल की क्या बात है। अरे बात का है मारे फूल बाग में वो राजा ने लगे भी। अच्छा जयमंती हथका वो चप्पल दिखा रही, पर हम बताएंगे ना हम तो महाराज ने नहीं करते गया। हाँ गुंडागिरी कर गए तुम्हारे पिताजी, पर उन्हें नहीं करते हम बताएंगे ही ना। चलो आ जाओ महाराज। क्या चाचा जी के लिए नमस्कार। इंदा बताई मैं चप्पल पप्पल नहीं ना गई। साले तू क्या कह रहा है, मैं क्या कहूँ, बड़ा अफसोस की बात है। कहता हूँ कुछ कहा नहीं जाता है और बिगड़ कहे मुझसे रहा नहीं जाता है। ऐसी क्या बात है चाचा जी, जो कहते कहा नहीं जाता और बिगड़ तुमसे रहा नहीं जाता। ये बात का सगरी बात है, जब कहूँगी लुकाई। चाचा बात बता दे खास, अरे सूर वगैरह के बीच में तेरा चेहरा कैसे। चाचा जी बेटी वो पिता ने जो बेटी की बात को नहीं समझे, वो बेटी जो पिता की बात को नहीं समझे। आपका फूल जैसा चेहरा खिला हुआ था। अरे बेटी बिटरिया मेरा फटो कलेजा जाए, यारी का बतलाऊ मेरी धीया धर्म की तो आज तुम वो सम। बेटी आज शिकार खेलने के लिए गया,
बस सोच ले बजा रहे हैं चिमटा के लिए।
अरे बहन जी क्या बात है, आज तुमला काम आया वाला करोगे कि नहीं? अरे क्यों नहीं करेंगे, जो करने का काम हो तो करेंगे। देखिए नरवर में एक कुलू आ गए। अच्छा, उसके अंदर रानी तुम्हारी सो रही है, उसका पलका उठा करके लेके आओ। ठीक है बहन जी, आप कहोगे कोई हुआ जाइए। चलो भाई साहब। भाई साहब पलका तो लेकर के आए, पर चलो बहन जी के पास चल ले जाओ। अरे बहन जी नमस्कार। नमस्कार, मैंने कहा था तुमसे कि पलका लेके आओ, लेके आए नहीं? ठीक है बहन जी, तुम्हारा पलका आ चुका है। आ चुका है? हाँ, फूल बाग में। यार तुम्हारी भेंट भी मिल जाएगी। ठीक है आओ। मेरे चाचा जी के पास चलना चाहिए। गुंडी का पलका आया नहीं आया? किसी बात की चिंता न करें, आपके बेटी के जीते हुए पलका आ गया। पलका नहीं आया तो बेटी तेरी शादी जल्दी कराऊंगा। ठीक है चलो। कहाँ है वो? तुम्हारे बागों में। बागों बागी वो? तू यहीं पर मैं जा रहा हूँ। ठीक है जाइए।
तुमने बहुत बुरा किया मेरे प्राण पति, आप गंगा स्नान करने के लिए चले गए। बाला मन का सूरत रे दिखाए दे, बाला मन का सूरत रे दिखाए, गंगा स्नान करने के लिए चले गए। बाला मन का सूरत रे दिखाए दे, बाला मन का सूरत रे दिखाए दे, अरे पीड़ा भरा तारा रे ठकोरा, सामने आजा नहीं तो ये शराब दे करके भस्म कर दूंगी। अरे नगले, मेरे सामने बोल सुना मैं। कहो, मैंने तुझसे कहा था क्या चंपल का मजा दिखाऊंगा, एक दिन तुझे अपनी महलों की रानी बनाऊंगा, वही सूरा मैं देख लेते सामने। अरे
उसमें बिगड़ेगा, और नहीं तो तेरी वो मर्जी खराब करूंगा। जो मुझसे कहते सूरम सिंह मारा हुआ आगरे का गुंडा। अरे जा तेरे लाए परदेसी मैये पहुंचा दे। नहीं पहुंचाऊंगा। परदेसी तेरा वो न भूले वीर में ताना है। अरे पालन है पालन ठकुरानी मेरी रे समझ आई। परदेसी ऐसे ना कहो। क्या बात है, जहां से हमारा पलका लेकर के आए तो मेरी साड़ी की नहीं पहुंचा दो। परदेसी कभी तुम्हारा गुण ऐसा नहीं भूल सकता। खरीद
ने के लिए एक शहर की रहने वाली रंडी रानी देवंती को लेने के लिए आ रही है। किले की टूटी गई रे झंडी, हे भगवान। किसी को भी याद कर लो, आपकी लीला भी होगी जरूर।
महाराज एक बात सुनो, ये सामने ये खुद आग है। अच्छा, और इसने कैसा ये हल्ला गुल्ला मचा है। आप जाके देखो ये शहर कौन सा है और हल्ला गुल्ला का भी पता लगा के आना। महाराज तुम चले जाओ, मुझे भूख लग रही है, मैं फूलबाग में जा रहा हूँ, मैं अपना पेट भर के तुम्हारे पास अभी आता हूँ। ठीक है चले जाओ, मैं यही आपका इंतजार करूंगा। बहुत अच्छा, यही रहना, जाओ। तो अपनी माँ की खबर ले करके और मेरे बेटा ढोल कुमार से खबर करता है। मैं जानता हूँ ये माँ तो रहती है, इसकी जाके गोद में गिरूंगा तो मुझे अपने गले से लगाएगी। ट्यू 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 ट्यू। आ बेटा, बेटा तोता। माँ मेरे लाल, आप कैसे हैं? मेरा बेटा ढोल कुमार कहाँ पर है बेटा? माँ महाराज मेरे पास है। क्या मेरा बेटा? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, मैं सत्य बताता हूँ। आप बहुत जल्दी से चले जाओ और मेरे बेटा ढोल कुमार से कह देना कि तुम्हारी माँ का और लीला हो रहा है बेटा। माँ आप यहाँ कैसे आई तो बता दो मुझे। मैं इस बात को बाद में बताऊंगी तुमको। बहुत अच्छा, मैं अभी आता हूँ। महाराज कहता हूँ कहानी जाता है, मगर कहीं मुझसे रहा नहीं जाता। ऐसी क्या बात है, कहता है कहानी जाता है। आपकी माताजी का या नीलाम हो रहा है फूल वाला? नहीं गंगाराम, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी माँ ऐसी नहीं। मेरी माँ सतमंती है, नरवर में है। तो तू कहता है कि तुम्हारी माँ का नीलाम हो रहा है? अरे मेरे साथ चल के देख लो। बताओ ये शहर कौन सा है? ये फूलबाग मुझे मालूम नहीं है, माँ का नीलाम इसी बार। किसी की माँ सही, चाहे मेरी माँ सही चाहे किसी और दूसरे की माँ सही, माँ तो माँ ही है। चलो जरूर देखूंगा। चलिए महाराज ये देखो सामने ये। हाँ ठीक है, मैं अपनी माँ समझ के इनका मुखारवंद देखूंगा। क्यों? मैं अपनी माँ समझ के देखूंगा। देखो महाराज, तुम बैठ जाओ, मैं देखता हूँ। देखो हाँ ये क्या हुआ?
काटूंगा मैं आज। ना मुर्रे बता दे मेरी जननी माता पैरी को, मेरी मैया मां को तुम वो जान लाने।